Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 5th of August. So let's start the day with the first important topic and that is core sectors growth. तो economy में जो core sectors होते हैं, जो index of industrial production है, जिसमें 8 core sectors में आते हैं, उनकी बात करी जा रही है. June 2023 में जो 7 है out of the 8 core sectors, उन्होंने जो index of industrial production है, वो एक increase show किए हैं अपने performance में. तो अच्छी बात ये है कि वो increase show किए हैं, यानी कि भारत में जो manufacturing sector है, वो growth पे है. तो इसी के साथ साथ आप देखोगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो ये एक इंडेक्स है जो ग्रोथ रेट दिखाता है अलग अलग इंडस्ट्री ग्रुप्स का, ठीक है. और पब्लिकेशन आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है, तो पब्लिश किया जाता है मंथली बाय द NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन पब्लिश करता है, तो NSO जो है एक ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है. नेक्स्ट आप देखेंगे इसका बेस ईयर, तो बेस ईयर 2011-12 है. बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011-12 यानी कि उसके तुलना में किया जाता है कि कितना हम ग्रोथ किए हैं, ठीक है. इसी के साथ साथ में ये एक कॉम्पोजिट इंडिकेटर है जो कि मेजर करता है ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का. ब्रॉड सेक्टर्स में आप देखोगे तो माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी है, और यूज बेस्ड सेक्टर्स में बेसिक है, कैपिटल है, इंटरमीडिएट गुड्स है. अब 8 कोर सेक्टर्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आया है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है. तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं. 8 कोर सेक्टर्स जो है वो कंप्राइज करता है 40.27%. ये एग्जैक्ट फिगर याद रखिएगा क्योंकि वो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ सकते हैं, तो लिख देंगे कि 50% से ज्यादा है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि 40.27% है ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स जो कि आईआईपी में है. अब उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए इसके ऊपर भी सवाल आता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे ज्यादा आप देखोगे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में है, ठीक है. फिर इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है, और फिर फर्टिलाइजर्स. मतलब फर्टिलाइजर सबसे कम है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा है. नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ आईआईपी की बात कर लेते हैं, तो ये यूज किया जाता है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा आरबीआई का, जो कि पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस के लिए है, जो कैलकुलेशंस है क्वार्टरली और एडवांस्ड जीडीपी एस्टीमेट्स. चलिए आईआईपी का जो सर्वे है और एनुअल सर्वे, इसके फर्क की बात कर लेते हैं. तो आईआईपी एक मंथली इंडिकेटर है, हर महीने किया जाता है, जबकि एनुअल सर्वे जो है वो लॉन्ग टर्म का है, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स को शो करने का, जो कि ट्रैक करता है हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इकोनॉमी का लॉन्गर पीरियड के कंपैरिजन में. नेक्स्ट आते हैं FSSAI पे, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो इन्होंने डायरेक्ट किया है राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को कि इंटेंसिफाई करें सर्वेलांस जो फ्रेश प्रोड्यूस है, क्योंकि आप कंसर्न्स देखोगे कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ मतलब हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, केमिकल्स का यूज किया जा रहा है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मार्केट्स में बेचने के लिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी हानिकारक है. तो FSSAI जो है उसको बनाया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि कई सारे आप देखोगे कि ये हेल्थ रिलेटेड मतलब फूड रिलेटेड इश्यूज को मैनेज करता है. और इसका नोडल मिनिस्ट्री याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो ये फूड से जुड़ा हुआ है, लेकिन मिनिस्ट्री कौन सी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, आपको ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फार्मिंग, मतलब जो रेगुलेशंस का फ्रेमिंग होता है वो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को सेट करते हैं, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे जो मैकेनिज्म्स है किस तरीके से वो बॉडीज काम करते हैं, और इसी के साथ साथ में किस तरीके से इनका मतलब एक्रेडिटेशन किया जाएगा लैबोरेटरीज वगैरह में, और फिर उसका मतलब टेस्ट वगैरह करके सैंपल देना. गवर्नेंस में आप देखोगे कौन कौन है जी, तो एक चेयरपर्सन है इसमें और 22 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 1/3 जो है वो महिलाएं ही होंगी. तो ये स्टेटमेंट बेस्ड में होता है, आपको ध्यान रखना है. तो एक चेयरपर्सन होंगे, 22 मेंबर्स होंगे और 1/3 जो है वो वुमेन होंगे, यानी कि एप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 7 मेंबर्स के आसपास. तो चेयरपर्सन है FSSAI का, उनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो यहां पे प्रेसिडेंट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. तो ये असिस्ट किया जाता है साइंटिफिक कमिटी और पैनल्स जो कि बेसिकली इसके लिए बनाए जाते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ में इन एजेंसीज के. चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज फिस्कल डेफिसिट. तो जो सेंटर का फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ा है, ठीक है. ये पहले फिगर हुआ करता था, आपको ध्यान नहीं रखना है, जो कि बेसिकली पहले मतलब लगभग डबल हो गया है, 2 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था, तो 4.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया है. ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है उन्होंने एक डेटा रिलीज किया है, तो ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ता हुआ कारण आप हम बता देते हैं. तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब सरकार के पास में जो इनकम आ रहा है वो कम है और जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है. तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास 50 रुपए है और आपका खर्च अगर 100 रुपए हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको 50 को बोरो करना पड़ेगा, दैट बोरोइंग इज फिस्कल डेफिसिट.
यहाँ पे वही लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, क्योंकि यहाँ पे आप उधार ले रहे हो ना जी, अब आप जो उधार ले रहे हो यही फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है, तो इसीलिए एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में फिस्कल डेफिसिट। ये फॉर्मूला बेस्ड कई बार कि टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स को निकाल करके। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये आप देखेंगे बजट का कॉम्पोनेंट्स। बजट कौन से आर्टिकल में है जी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में है, ये यूनियन का है और स्टेट का 202 में। बजट रिसीट्स अगर हम देख लेते हैं, बेसिकली ये दो कंपोनेंट्स में है, बजट रिसीट्स यानी कि जो भी मतलब गेन हुआ है और एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्च हुआ है। अब यहाँ पे भी फर्दर दो कंपोनेंट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू मतलब कि शॉर्ट टर्म और कैपिटल मतलब कि लॉन्ग टर्म, यहाँ पे भी सेम है रेवेन्यू और कैपिटल। अब यहाँ पर फर्दर दो है कि टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स, मतलब कि जिस पर टैक्स लगाया जा सके और जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और कैपिटल फर्दर जो है वो सेग्रीगेटेड है रिकवरी ऑफ लोन्स से, बोरोइंग्स से और बाकी का डिसइन्वेस्टमेंट्स से। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी इसी के पार्ट में आते हैं। ये इंडिकेटर है जो गवर्नमेंट को दिखाता है कि किस तरीके से उसके ऑपरेशंस वगैरह हो सकते हैं जीडीपी के कंटेक्स्ट में। अब कंपोनेंट्स आप देखेंगे तो एक तो है इनकम कंपोनेंट कि किस प्रकार से जो वेरिएबल्स हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्सेस से सेंटर और जो भी मतलब इनकम नॉन टैक्स वेरिएबल से आता है उसके प्रकार से। नेक्स्ट आप देखोगे टैक्सेबल इनकम में क्या क्या है, तो जो कॉरपोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, कस्टम्स ड्यूटीज है, एक्साइज ड्यूटीज, जीएसटी, ये सारा टैक्सेबल है, इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। नॉन टैक्सेबल में क्या है, एक्सटर्नल ग्रांट्स, अगर विदेशों से कहीं ग्रांट मिले, ग्रांट का मतलब होता है कि आपको वापस, लोन और ग्रांट में यही डिफरेंस है। लोन का मतलब है कि आप किसी से उधारी ले रहे हो, आपको पैसा वापस करना होगा, लेकिन ग्रांट का मतलब है कि जैसे पाकिस्तान वगैरह को कई बार अगर मिलता है तो मतलब ग्रांट का मतलब उनको पैसा उनको वापस करना नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रांट का मतलब होता है। आपको लाइन ऑफ क्रेडिट का भी एक मतलब होता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है जो कि बहुत सस्ते दर पे, मतलब 1% 2% के इंटरेस्ट पे दे दिया जाता है 40-50 साल तक के लिए। फिर आप देखोगे इंटरेस्ट रिसीट्स होता है, डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स रिसीट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, तो ये सारा जो डिविडेंड वगैरह है जो प्रॉफिट उस पे मिलता है ये सब नॉन टैक्सेबल का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर कंपोनेंट का, तो किस प्रकार से इसमें अलग अलग सैलरीज, पेंशंस, इमोल्यूमेंट्स ये सभी कवर होते हैं। हाई फिस्कल डेफिसिट बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड कर रही है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, यानी कि कंस्ट्रक्शन मतलब बेसिकली जब भी होगा तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अच्छी बात ये है कि ये इकोनॉमी के लिए काफी हेल्दी माना जाता है। अगर वो रेवेन्यू होगा तो वो फिर इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए है, कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए है। आज आप कहीं पर भी हाईवे बनाओगे, एयरपोर्ट बनाओगे, तो अच्छी बात यह है कि उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि लॉन्ग टर्म में वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ पे स्किल्ड के साथ साथ में अनस्किल्ड वर्कर्स की भी जरूरत होगी, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसी के साथ साथ में आप देखोगे हाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वगैरह भी इसी का पार्ट है। चलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे फिस्कल डेफिसिट होने से गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं विश्वास दिखाता है कि हम खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी चीजों पे भी, सोशल वेलफेयर स्कीम्स में भी खर्च किया जाता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन मेजर्स वगैरह। साथ साथ आप देखोगे नेगेटिव एस्पेक्ट्स, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि भाई सरकार जो है वो बहुत ज्यादा खर्च यहाँ पे कर रही है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये उनके लिए एक नेगेटिव मतलब माना जाता है। फिर क्राउडिंग आउट इफेक्ट इकोनॉमी में इसका मतलब क्या है, देखिए क्राउडिंग आउट का मतलब जो इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट किए हैं उस देश में वो अपना पैसा विड्रॉ करने लग जाएंगे, निकालने लग जाएंगे, तो ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं रहेगा, हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सरकार मैनेज ना कर पाए, ये सारी बातें आती हैं। फिर क्राउडिंग आउट इफेक्ट की वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ जाता है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, ये सारी बातें। चलिए आई होप आपको ये इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पहाड़ीज एंड पंडारीज, तो ये प्रपोज्ड एसटी स्टेटस की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर एसटी ऑर्डर जो है 2023 का बिल, तो ये इंक्लूड करता है गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पद्दारी ट्राइब और पहाड़ी एथनिक ग्रुप इन द लिस्ट ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इन जम्मू कश्मीर। ये आपको ट्राइब्स का नाम ध्यान रखना है, यूपीएससी ट्राइब स्पेसिफिक भी सवाल पूछती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री रिव्यू करेगा इस रिकमेंडेशन को, फिर वो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उनके पास भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए, और जो नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में आर्टिकल बताएंगे कि कौन सा ये आर्टिकल जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 89th अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे कैबिनेट डिसीजन लेता है किस प्रकार से ट्राइब्स को जोड़ना है एसटी लिस्ट
में और फिर फाइनल डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट के पास में होता है। तो फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट लेंगे अंडर आर्टिकल 342। ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 342 के तहत प्रेसिडेंट अपने इस पावर का इस्तेमाल करेंगे। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एसटी कैटेगरी के लिए जी? तो पहला है प्रिमिटिव ट्रेड्स वगैरह, डिस्टिंक्टिव कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज और बैकवर्डनेस। तो ये सारा कारण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे पहाड़ीज जो है वो हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, ये सभी हैं जो मतलब कहीं ना कहीं कश्मीरी ओरिजिन से हैं और ये रजौरी और पूंछ वाले जिले से आते हैं। और ये अपर कास्ट हिंदूज भी मतलब इसी में है पहाड़ीज वगैरह में, साथ साथ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस होकर के भारत आए हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे पद्दारी ट्राइब का, तो ये रिमोट पद्दार वाले रीजन में रहते हैं और ये इस प्रकार से उनकी आबादी है कि जिसमें हिंदूज का परसेंटेज बुद्धिस्ट का और मुस्लिम्स का यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 जो है, तो आर्टिकल 366 क्लॉज 25 आउटलाइन करता है प्रोसेस, ये प्रोसेस को बताता है फॉर डिफाइनिंग एसटीज। तो यूपीएससी कई बार पूछता है कि एसटीज को डिफाइन करना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है लेकिन किस आर्टिकल में है, स्टेट पीसीएस पूछ सकता है आर्टिकल 366 क्लॉज 25 या फिर डिफाइंड है, आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 342 क्लॉज 1 में क्या है। तो ये प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि ये कंसल्ट करेंगे गवर्नर से उस राज्य के और इसी के साथ साथ में स्पेसिफाई करेंगे जो भी ट्राइब्स वगैरह को है। तो ये आर्टिकल 342 क्लॉज 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ट्राइब को जोड़ना है उस लिस्ट में, फाइनल ऑर्डर हमने देखा कि प्रेसिडेंट देते हैं, तो वो गवर्नर से कंसल्ट करके वो कर सकते हैं सेंटर या स्टेट के लेवल पे, ठीक है। और ये आपको देखने को मिल जाएगा कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट, माफी चाहेंगे 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो है एनसीबीसी स्टैट्यूटरी था, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया, तो उससे इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे फिफ्थ स्केड्यूल, तो यहाँ पे प्रोविजंस है एससी एसटी के कंजर्वेशन का और यहाँ पे जो राज्य हैं उनमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके बाकी सभी, क्योंकि ये जो राज्य हैं ये सिक्स्थ स्केड्यूल में कवर होते हैं। ये पांचवा जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के कंजर्वेशन से लिए और सिक्स्थ जो है बेसिकली वो एसटी वगैरह जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों में है। ऊपर वाले में ये एक्सक्लूजन में थे लेकिन नीचे वाले में ये एक्सक्लूजन नहीं है, यही वो राज्य को कवर करता है, ये इंक्लूजन में है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज नीति आयोग का रिपोर्ट। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला है माइन टू मार्केट, यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स का जो सप्लाई चेन है जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए है, स्पेशली लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, लिथियम भारत में मिला है उसको लेकर के सवाल हो सकता है। तो सेंटर जो है वो इंपीटस देगा कि किस तरीके से लिथियम आयन बैटरी को हम रिसाइकल कर सकते हैं और उसके बाद में आप देखोगे पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके साथ जोड़ करके ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन है उसको बेहतर किया जा सके, क्योंकि मिलना बड़ी बात नहीं, एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हाल ही में चाइना जो है बेसिकली लिथियम में बहुत बेहतर वो माना जाता है, लेकिन अभी भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि जो भी वो चाइना से लैपटॉप्स या टैबलेट्स इंपोर्ट करते थे अब वो नहीं करेंगे। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद में, आपको समझ आएगा कि क्यों और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो से सिर्फ इतना ही, कैसा रहा ये करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ आए कि हम कितना डिटेल में इन चीजों को कवर करते हैं। और अगर बेनिफिट होता है तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि हम अपने चैनल को और वाइडन कर सके और अपना नॉलेज और ज्यादा स्प्रेड कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।